ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के बैनर तले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक एवं प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता सोहनलाल ठाकुर के नेतृत्व में जन जागरण अभियान के तहत रैली निकाली। ये रैली सुंदरनगर शहर से होते हुए एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। कांग्रेसियों ने बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के साथ जो व्यवहार किया गया है उसके विरोध में रैली निकाली है। इस जन जागरण अभियान के दौरान उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के नियंत्रण से महंगाई बाहर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की दर कम करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि जन जागरण अभियान के तहत लोगों को केंद्र और प्रदेश की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है वर्तमान सरकारों के खिलाफ, जो सरकार लोगों की अनदेखी कर रही है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इससे आम जनता का जीना दुर्लभ हो गया है। ये संदेश देना चाहती है कि जो सरकार महंगाई दूर करने के नाम पर सत्ता में आई थी, आज सत्ता में आने के बाद अपने वादे भूल गए हैं और ऐसा लगता है कि सरकार का महंगाई को नियंत्रण करने में कोई कंट्रोल नहीं है या महंगाई सरकार के संरक्षण में फैल रही है। ये सरकार जैसे अनदेखी कर रही है जनता की, जनता में इसका भारी रोष है और यही संदेश कांग्रेस पार्टी घर घर तक पहुंचाना चाहती है। इस सरकार ने जो नौजवानों से नौकरी देने का वादा किया था, आज इस सरकार के वक्त में पिछले 2 सालों में 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, नया रोजगार मिलना तो दूर की बात है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और आए दिन गरीब लोगों पे, औरतों पे जुल्म हो रहे हैं, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम इस सरकार को इस जन जागरण के माध्यम से ये जताना चाहते हैं कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और जनता को राहत दे, महंगाई से राहत दे, जनता को अच्छा स्वच्छ प्रशासन दे और अपने किए हुए वादों को पूरा किए। हम अपने साथियों से यही आह्वान करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप इस कांग्रेस के जन जागरण के इस अभियान को और तेज करें और घर घर तक कांग्रेस पार्टी का ये संदेश पहुंचाएं। इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की जो नाकामियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं और इस सरकार को सत्ता से दूर फेंकें।